कमल कुर्बिया है, मैं गांव ओखणा का रहने वाला हूं, तहसील जाड़ौल, जिला उदयपुर। कल रात 9:37 पर मेरे पास एक अननोन फोन आया और उस फोन पे मुझे लगा कि वो कोई परिचित व्यक्ति दिख रहा, ऐसा मुझे आभास हुआ। तो मैंने पूछा, मैं पहचाना नहीं, तभी उसने कहा मैं फला फला बोल रहा हूँ। उसके हिसाब से फिर मैंने उससे बात करी तो वो कह रहा है कि मैं आपके खाते में 18,000 डाल रहा हूँ, मेरा गूगल पे बंद है और आपके फ़ोन पे मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आप है ना, अपना फ़ोन पे ओपन करो, उसमें पैसा आएगा, फिर आप वापस मुझे भेज देना। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या होता है कि उसने एक व्हाट्सएप नंबर और था, उससे मेरे को हाय बोला। तो मुझे उसने एक दूसरे नंबर से जो कॉल करा उससे बात करी कि भाई कमल जी, आप है ना, मुझे नाम से जानना था, वो मेरी पत्नी को नाम से जानना था, और मैंने एक बार फ़ोन काट दिया तो उसने मेरी पत्नी के भी फ़ोन लगाया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ, मेरा पैसा है आपके खाते में आ रहा। फिर उसमें एक QR कोड से उसने 2 रुपये डाले और मुझे विश्वास दिलाया कि कमल जी देखो, आपका खाते में जो बैलेंस है उसमें 2 रुपये बढ़ गए। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ गए। फिर उसके बाद उसने वो पैसे 2,000 रुपये भेजे। उससे पहले उसने कहा कि मैं 18,000 रुपये भेज रहा हूँ, 18,000 रुपये भेजे तो उसने भेजे पर आए नहीं। मैंने कहा नहीं आ रहे, तो उसने बोला कि आपके खाते की लिमिट 2,000 ही है, मैं आपके खाते में 2,000 भेजता हूँ। फिर 2,000 तीन बार मैंने आए, मैंने क्लिक करता रहा और वो पैसा मेरे निकलता रहा, मुझे नहीं मालूम। फिर उसने कहा अब आपको मैं 19,000 रुपये भेज रहा हूँ, ये आप चेक करो। जब 19,000 भेजे, फिर मैंने बैलेंस चेक कर देखा, मेरा पैसा करीब 26,000 रुपये, 27,000 रुपये समथिंग पैसा निकल गया था। उसके बाद एक बार और 1,500 रुपये निकले और वो अलग अलग तरीके से पैसे निकले और QR कोड से। मुझे ये विश्वास था कि अगर मैं पेमेंट सेंड नहीं करूँगा, मैं ऑप्शन जो मुझे मेरी जानकारी में था तो मैं वैसे ही करता, लेकिन ये मेरे साथ चीटिंग करी, बहुत बड़ा फ्रॉड करा और मुझे विश्वास में लेकर के परिचित में जिसको जानता था उसके नाम से उसने किया। उसे वही आवाज़, वही भाषा, वही परिवेश में वो मेरे से बात कर रहा था, जो जो हमारे साथ में जो आपस में फील्ड में परिचय रहता था उस तरीके से बात कर रहा था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वही है और उसके हिसाब से वो मुझे मेरे साथ फ्रॉड करने में कामयाब हो गया। आज सुबह मैं अभी थाने में गया हूँ और मेरी FIR दर्ज हुई है और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा। और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सब भी इस तरह के फ्रॉड से बचें।